श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासम नारायणं नरकतारण नाम धेयम् श्यामं सितं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधानिजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयम् त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव वृत्त्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगगयो। सहजानन्द स्वामी महाराज की जय। प्रगटे कौशल देश वेश बटुधर तीर्थों में घूमे अनंत रामानंद मिले स्वधर्म स्थापा यज्ञादि कीने महंत भव्य धाम धरे गढ़पुरे दो देश गदी करी अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट है गुणातीत से हरि अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट है गुरु जी से हरि। हम सब के प्राणाधार और मेरे जीवन के केंद्र बिंदु परम पूज्य गुरु जी सूरज स्वामी संकल्प स्वामी अक्षर स्वामी मैत्री स्वामी मलकानी अंकल अग्रवाल जी पुरी साहब डालिया साहब और इस टेलीकास्ट के माध्यम से देखते हुए हमारे अहमदाबाद मंडल बॉम्बे मंडल पंजाब रुद्रपुर आप सब हरि भक्तों को मेरी हार्दिक जय स्वामीनारायण। इस अनुष्ठान शिविर के पहले ही दिन गुरुजी ने एक बात करी कि मैं जो यहाँ पर टिक गया वो आप लोगों के कारण इस कुटुंब के कारण आप लोगों के प्यार के कारण और उसका उन्होंने रेफरेंस पप्पा जी की बात से किया कि ये जो कुटुंब है ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं है ऐसे पप्पा जी बोल कर गए हैं कि ऐसा जो कुटुंब है ऐसा जो परिवार है ये जो हम सब यहाँ पर बैठे हैं ए टू जेड वो एक बहुत ही दिव्य परिवार है और हम सब के कोई कम पुण्य नहीं होंगे जो हम यहाँ पर हैं बहुत अधिक होंगे। अगर कम होते तो महाराज हमारे को गाड़ी या बंगला या कोई अच्छी नौकरी या कोई अच्छा बिजनेस फैक्ट्री चलाकर दे देते परंतु बहुत अधिक होंगे तभी हमारे को ऐसे संत का जोग दिया। ये हमारी बहुत बहुत बड़ी एक सौभाग्य है। दूसरा गुरुजी ने ये बात करी थी कि हर बार गुरुजी की नई नई स्कीम निकलती है। गुरुजी हम सब जो भी सोचें
हम सब जो भी सोचें वो सब की सोच गुरुजी यूं ऐसे पकड़ लेते हैं, और हम कितना भी सोच लें गुरुजी आगे क्या करने वाले हैं कभी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ऐसी गुरुजी की सोच है। नहीं नहीं, भेंट लेनी है आगे और कुछ नहीं करने वाला, भेंट हाँ बस। मैं मतलब ये कहना चाहिए गुरुजी पलट जाए देने की बात करें, ऐसा नहीं, वो तो दैट वुड बी अवर फॉर्चून, और उस फॉर्चून के लिए मैं अंकल को साक्षी मानता हूँ कि इस हाल में मतलब इस वक्त प्रेजेंट जो भी बैठे हुए हैं, ये जो मंदिर, ये जो इतना सुंदर हॉल बनाया है, एयर कंडीशन हॉल बनाया है, पूरा ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स बनाया है, हम सब ने उसमें योगदान दिया है, पर हम सब का योगदान फिनेंशियल वो एक तरफ और अंकल का कंट्रीब्यूशन दूसरी तरफ, और फिर भी वो पलड़ा भारी ही रहेगा। ऐसे अंकल ने ये डिसाइड किया, ऐसा शुभ संकल्प किया कि गुरुजी कि मैं भी ये पूरे 30 दिन आ सकूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना ताकि मैं भी आपको कुछ दे सकूं, कुछ तुच्छ भेंट कर सकूं। चलो इतना, आज हाँस हुई, इतना अंकल भी कुछ देंगे नहीं, इतना अंकल ने इतना देने के बावजूद भी ही सो हम्बल कि वो ये कहते हैं कि मैं किसी तरह से गुरुजी को कुछ तुच्छ भेंट दे सकूं। ही इज़ कमिंग ऑल दी वे, ट्रैवलिंग 2.5 hours, गोइंग बैक अगेन 2.5 hours, बहुत बड़ी गुरुजी। सो हम्बल, सो ग्रेसियस, सो ग्रेसियस। कुछ भी करके लेना है तो अभी बखान तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, उसके लिए अंकल का धन्यवाद है, आंटी का धन्यवाद है, हु इज इन His illness is also persuading uncle, okay, please, if I cannot go, you please go. तो अंकल का धन्यवाद है। यहाँ पर और भी हर बार कोई ना कोई नए लोग जुड़ते हैं, ऐसा हमारी प्रथा रही है। इस बार भी मैं 4 लोगों को तो कंटिन्यूसली देख रहा हूँ। हमारे यशपाल नारंग हैं। कौन? यशपाल नारंग इंदर लोक से आते हैं गुरुजी। पर ये तो पहले से आते हैं गुरुजी, पिछले साल आए थे 5 तारीख को पहली बार। अच्छा, तो ये पहली शिविर है उनकी, कंटिन्यूस ये कंटिन्यूसली आ रहे हैं। जय, क्या नाम? यशपाल नारंग। यशपाल, यशपाल नारंग, नारंग नारंग के नारायण नारंग, नारंग। अच्छा, दूसरे तो मेरे बगल में ही बैठे हैं अग्रवाल जी के, अग्रवाल अंकल, अग्रवाल अंकल। हाँ, वो भी 300 दिन तकरीबन आए, नहीं तकरीबन फुल्ली आए हैं, और इतनी दूर से, रात को कहाँ 12 बजे पहुँचते होंगे, 12:30 बजे टूलिप गार्डन यहाँ से हरियाणा में इतने किलोमीटर दूर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका स्वागत है। हमारे जसबीर सिंह जी आए हैं जिनको गुरुजी प्रेम से मिल्खा सिंह कहते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पीछे मेरे को संदीप गुप्ता बैठे हैं, संदीप गुप्ता जी। हाँ, ये सत्यवती कॉलोनी से, नहीं जनता फ्लैट से, बचराज के गांव से, बचराज जी के। और ये इन्होंने तो सबका ही दिल जीत लिया, इन दी सेंस कि ये पहले सिर्फ आते, मैं इनको ऑफिस से बैठे देखता था, आते थे परिक्रमा करके चले जाते थे। तो एक दिन मैंने कहा आप गुरुजी को मिले हो, कहते नहीं, तो मैं आपके पास लेकर आया था। उसके बाद में इनकी ऐसी भावना आपके दर्शन से वो हुआ कि सुबह 6:40 की धुन में लगातार आते हैं, महापूजा में आते हैं, शाम को अभी भी इन्होंने कोई भी क्लास मिस नहीं करी है, संदीप गुप्ता जी। फिर यहाँ से हमारे कौशिक अंकल ने कहा कि गवर्नमेंट में गुरुजी आजकल जैसे मोदी साहब का है कि पूरे टाइम पर ही आप अंगूठा लगा के तब बाहर आ सकते हैं, बट ही रिक्वेस्टेड कि मेरे को आधा घंटा मैं चला जाऊं तो मैं यहां पर टाइम से पहुंच जाऊं, 7 बजे से पहले पहुंच जाऊं। और यहां आकर वो कुर्सी बिठा के बैठ जाते हैं कि सभी हरि भगत हमारे जो आते हैं उनको यथास्थान पर उनको बिठा सकें। उन्होंने वो अपनी पूरी सेवा ली है और हम उनके ऑफिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनको अलाउ किया कि वो आधा घंटा लेट मतलब जल्दी आ जाएँ और यहाँ टाइम से पहुँच जाएँ। वी आर थैंकफुल टू इफको, हाँ प्लीज़ कन्वे अवर फीलिंग्स। ये गुरुजी यहाँ बैठे हैं, ये इटाड़ा गांव से, ग्रेटर नोएडा से,
यशपाल जी, धनपाल, ये वीर सिंह जी, हरीशचंद्र जी, ये गुरु जी तीन बजे वहाँ से चलते हैं अपने घर से, कहना आसान है। 3 बजे वीर सिंह जी 3 बजे निकलते हो, ये हरीशचंद्र जी, धनपाल जी दोपहर को, रोहतास जी गुरु जी 3-व्हीलर चलाते हैं रात को 12:30, कितनी महिमा होगी इनको, और ये गर्मी में, इतनी गर्मी में कितनी महिमा होगी कि 3 बजे चलते हैं। और अभी तक एक भी दिन कोई भी लेट नहीं हुआ, 7 बजे से पहले पहुंचते हैं, कोई भी एक भी दिन कोई लेट नहीं हुआ। इन सब की भी यही इच्छा है कि गुरुजी हमारे 300 दिन ऐसे निकल जाएं, हम 7 बजे से पहले पहुंचे और आपको कुछ भेंट दे सकें। एक भाई साहब ने तो मुझे कहा था कि गुरुजी मैं रेगुलर आ पाऊँ ऐसा सेट कर देना, क्योंकि मुझे आपको भेंट देनी ही देनी है, मैं भावना वो थी। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लेडीज में ऐसी कोई है ही नहीं गुरुजी, लेडीज तो शशि के सिवा मैं किसका नाम दूं? लेडीज तो ऐसी हैं कि मैं किसको क्या कहूँ। हाँ, तुम्हें घर जाना है कि नहीं? सभी तैयार हैं, अभी तक कोई लेट आया हो तो उसकी कंडोनेशन करा देते हैं। बोलो क्या, अभी तक अगर कोई लेट आया हो नहीं, तो नहीं, कंडोनेशन किसी की भी नहीं, कंडोनेशन किसी की भी नहीं, रूल इज रूल, रूल इज रूल। इसीलिए तो मैं भी बराबर 7 बजे से पहले आया गया, एक दिन शायद लेट हुआ था। फिर शिविर में इतनी अच्छी बातें हुई, सूरत भाव की बात, वो तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। सूरत भाव यानी दो जने मिलकर करें, दो जने यानी एक और एक दो नहीं, एक और एक 11, एक दूसरे का स्वीकार करें, यही माने कि ये जो सामने बोला, जब हम ये कहते हैं कि सभी दिव्य हैं, तो जो सामने आया हुआ है मुक्त है, जो मुझे कोई डायरेक्शन दे रहा है, उसमें से गुरुजी ही बात कर रहे हैं, उसमें से काका जी ही बोल रहे हैं, तो अगर ऐसा हम मानेंगे तो हमारी साधना बड़ी सरल हो जाएगी। और बीच में एक दिन गुरुजी आपने ये भी बताया था कि पुराने समय में गुणातीतानंद स्वामी के समय में, और उसका मैं रेफरेंस यहाँ का भी देता हूँ, अभी इस बार जो हमने रामनवमी हरिनवमी महाराज की जयंती जब मनाई, उस वक़्त यहाँ पर झोंपड़ी बनाई थी, वो महाराज का गांव छपैया बनाया था, वहाँ पर महाराज का जन्म हुआ था, ऐसा यहाँ पर सीन क्रिएट किया गया था। दूसरी तरफ इधर बताया था, सीन दिखाया था, उसमें सिर्फ एक ही साधु को दिखाया था, उसमें सिर्फ एक ही साधु को दिखाया था, और वो थे गुणातीतानंद स्वामी, और उधर छपैया में महाराज का अवतार हुआ। प्रैक्टिकली जो गुणातीतानंद स्वामी का जो अवतार हुआ है वो 4 वर्ष के बाद हुआ है, महाराज का 1781 में हुआ है और गुणातीतानंद स्वामी 1785 में आए हैं, परंतु वो सभी दिव्य पुरुष हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो सभी देवी देवता आकर दर्शन करते हैं, तो ऐसे ही गुणातीतानंद स्वामी भी तब महाराज के दर्शन करने छपैया में गए थे, वो छपैया यहीं बनाया था, वो छपैया और वो गुणातीतानंद स्वामी, आप सब समझ गए मैं कहूँगा कि नहीं, ये गुणातीतानंद स्वामी का अवतार है। उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी की बातें गुरुजी ने बताया कि वो आगे चलकर मूल ग्रंथ होने वाला है आध्यात्मिकता का, दैट वुड बी दी, जैसे आज की डेट में अभी कहते हैं गीता सर्वोपरि, क्रिश्चियन में बाइबल सर्वोपरि, मुस्लिम में कुरान सर्वोपरि, ऐसे ही स्वामीनारायण संप्रदाय में नहीं, स्वामीनारायण संप्रदाय का तो आज भी है वो मूल ग्रंथ, पूरे स्पिरिचुअलिटी का स्वामी की बातें मूल ग्रंथ होने वाला है, ऐसा गुरुजी ने कहा, और उसकी एक एक बात साइंटिफिकली प्रूव हुई है। गुरुजी ने छोटी छोटी बातें बताते हैं, स्वामी ने बताया कि हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी कोई तेल की बूंद या घी की बूंद
पड़ जाती है तो उसको धोना पड़ता है, पर हमारी जीभ रोज इतना घी पीती है, तेल पीती है, पर वो चिकनी नहीं होती है। ये बातें स्वामी की बातों में लिखी हुई हैं। ये बातें कभी किसी ने ऐसे सोचा नहीं। तो जो भी सारी बातें हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें हैं। तो गुरुजी, जैसे मैं कह रहा था कि गुरुजी इज़ ऑलवेज इनोवेटिव, हमेशा कुछ ना कुछ वो नया करते हैं। इस बार भी अभी तक जो हुआ, पिछली बातें नहीं करता, इस 15 तारीख से लेकर आज तक दो मैरिज एनिवर्सरीज मनाई गई। सबसे पहले अनिल मानेक सेठ की, उनकी 40वीं वर्षगांठ मैरिज की, और उसके बाद डॉक्टर कैलाश सिंह जी की 25वीं। जो भक्तों की भावना देखो, वो अनिल मानेक सेठ जो हैं, वो कोई ये नहीं कि वो वहाँ पर अपना सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। ही इज़ वेल टू डू, वो अपना वहाँ पर भी बॉम्बे में रहते हैं, वहीं पे अपने यारों दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुलाते हैं। नहीं, मेरे को तो गुरुजी के सानिध्य में, अपने इन हरि भक्तों के सानिध्य में, यही मेरा परिवार है, यहीं पर ही मैं अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाऊँगा। और वो 40वीं वर्षगांठ भी बड़ी एक अजीब सी बात है। लोग मनाएंगे सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, ये नया ही, लेकिन उनकी भावना सिर्फ ये थी कि नहीं, मैं कैलाश सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, पर वो पहले साहेब के यहाँ जुड़े हैं। पर गुरुजी जैसे सर्वदेशी हैं, गुरुजी में कोई भेद ही नहीं है। कोई भी किसी भी सेंटर से आ जाए, गुरुजी इज वन फॉर एवरीबडी। डॉक्टर कैलाश सिंह आए, गुरुजी को पता है वहाँ से साहेब से जुड़े हैं। गुरुजी ने अपनी मूर्ति नहीं दी, महाराज की मूर्ति नहीं, साहेब की मूर्ति उनको प्रेजेंट करी। ये कितनी बड़ी बात है। सब पूरा खर्चा किया अपने हिसाब से, मंदिर में सबको, पूरे लान में इतनी ग्रैंड पार्टी करी गुरुजी ने, तो ये कहने की बात है। वो भी जाते हुए क्या बोल कर गए, इतनी तो गुरुजी किसी की शादी अच्छी नहीं होती जितनी आपने मेरी एनिवर्सरी मना दी, डॉक्टर कैलाश सिंह बोल करके। तो ये सब एक्चुअली क्या है कि गुरुजी को ये होता है कि मैं कैसे छोटे से छोटे बच्चे का और बड़े से बड़े का, अभी क्षेत्रज्ञ आया, क्षेत्रज्ञ का बर्थडे था, और उसके पापा मिलन सर वो बम्बई से रात की फ्लाइट से आए। मिलन सर की मैं भावना की दाद देता हूँ कि मिलन सर को कहते, मैंने बुक तो करवा ली टिकट गुरुजी, मिलन सर ने मुझे बताया कि मैंने बुक करवा ली टिकट मिडनाइट की, पर मेरे को इंटिशन होगी कि कहीं गुरुजी ये ना कहें कि मैं आता हूँ, और आपने प्रोग्राम बनाया था मेरे को ऐसा आपने कहा कि मैं मिलन सर को लेने के लिए जाता हूँ एयरपोर्ट पर रात को, कितने 12:30 बजे, 12:30 बजे एक फ्लाइट रात को इस वक्त आ रही है, गुरुजी कह के मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, आखिर क्यों? कि वो बच्चा राजी हो जाए। क्षेत्रज्ञ, उसको तो समझ भी नहीं कि वो मेरा कोई जन्मदिन मनाया जा रहा है या मेरे पापा आ रहे हैं या गुरुजी, उसको नहीं। पर गुरुजी को यह है कि किसी तरह ये राजी हो जाए तो मेरे को इसकी हाश मिल जाए, मेरे को महाराज राजी हो जाए, काका जी राजी हो जाए। तो ऐसे मिलन सर, क्षेत्रज्ञ, सभी, मतलब गुरुजी को पता चलना चाहिए कि कोई की। और सब कुछ ब्रह्म नियंत्रित तो है ही है यहाँ पर। अभी मैंने उस दिन आपको देख के मेरे को याद आया कि मानसी ने जाना था उस दिन ना, आपको पता है गुरुजी, मानसी ने जाना था तो सुबह की ही उसकी फ्लाइट थी। तो मुझे राकेश भाई ने पूछा कि कौन छोड़ने जाने वाला है, मैं कहा मुझे तो यही नहीं पता कि वो जा रही है, तो मैं अरेंजमेंट क्या करूँगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरी अपनी इच्छा है कि मैं मानसी को छोड़ने के लिए जाऊँ, और साथ में प्रज्ञा की भी इच्छा है कि वो भी आए, तो हम उस, मैंने कहा वो है यहाँ पर, कहते नहीं उसको रास्ते से ले लेंगे। मैंने कहा तो फिर तो क्या, देर इज़ ए सोल्यूशन बिफोर द प्रॉब्लम, अभी तो प्रॉब्लम आई नहीं है, तो यहाँ तो सोल्यूशन पहले ही तैयार है। तो राकेश भाई पहले ही तैयार थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो भी हो रहा है, एनी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसको गुरुजी होने दे रहे हैं, हम किसी भी गलत फहमी में ना रहें। ही इज़ अलाउइंग इट टू हैपन, ही इज़ ऑल पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन कंट्रोल एनी वन, एनी बॉडी एंड एवरीबॉडी। उनके लिए कोई कंट्रोल नहीं है, सबका कंट्रोल उनके हाथ में है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। वछराज जी ने के ऊपर खूब रूप चढ़ा, वछराज जी ने भी खूब
दिल से सेवा करी, अपना ऑफिस छोड़ के सबसे पहले टाइम से यहाँ पर आ जाना, तैयार हो जाना, किस लिए? गुरुजी को राजी करने के लिए, कि गुरुजी राजी हो जाए, और कुछ नहीं। हम सब जो यहाँ पर हैं, हमारा एक ही एम है कि गुरुजी राजी हो जाए। गुरुजी राजी तो हमारा, फिर उसके बाद तो हमारे को काल कर्म आया का तो कोई दोष है ही नहीं, फिर हमें क्या, वो तो गेट से बाहर है। कौन? काल कर्म माया। तो जो संत है वो तो देह भाव से परे है, माया से परे है, और अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो फिर वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तो इसलिए हमें तो बस गुरुजी यही एक आशीर्वाद दो कि हम सब परिवार, मेरे को तो अपने परिवार का हिस्सा पहले ही मान लिया था, पहले मान लिया था इन दी सेंस कि जब हम 97 में गुरुजी को मिले तो पहली मुलाकात में जब मैं गुरुजी के अंदर गया तो मेरी वाइफ बाहर बैठी दरवाजे के बाहर, तो गुरुजी ने क्या कहा, ये भाभी जी को कहना कि अंदर ना आ जाए। द वर्ड ही यूज्ड वाज भाभी जी, मींस उन्होंने मोस्टली समाज में आप क्या कहोगे, बहन जी या माता जी, भाभी जी तो कोई नहीं कहेगा, बट ही मेड हिमसेल्फ एज पार्ट ऑफ अवर फैमिली। हम तो उसी दिन से जुड़ गए थे कि ये भाभी जी को अंदर नहीं आने देना। तो गुरु जी ये जो हमारा रिश्ता बना है ये बना रहे, आपकी कृपा हमारे पर रहे, हमसे कोई गलती हो जाए, वैसे तो आप होने ही नहीं दोगे, पर फिर भी अगर हो जाए तो उसके लिए आप हमें माफ़ करना, क्योंकि आपने कहा ना कि कोई वो दोष तो देखते ही नहीं, क्योंकि वो निर्दोष हैं तो वो दोष देखेंगे कहाँ। जो दोषी होता है, मेरे अंदर कोई खूंटी है तब मैं बाहर देखूँगा, वो दोष देखते ही नहीं। आप हमारे दोष देखोगे नहीं, तो इसलिए हमारे ऊपर ये कृपा बनाए रखना। हठ मान ईर्ष्या, यही तीन हमारे मुख्य जो हैं शत्रु हैं, उन्हीं को ही अपने को टालना है। हमारा हठ चला जाए, मान चला जाए, हमारी ईर्ष्या चली जाए, एक दूसरे से जब हम ईर्ष्या करते हैं, उसके लिए गुरुजी ने ये स्वामी की बातों का पारायण रोक कर बीच में दो दिन के लिए, जैसे भद्राई भाई ने भी कहा कि अलैया खाचर का, ईर्ष्या का, मछियाओं की गांव के फाइबा का और जीवा खाचर का, तीनों का उदाहरण दो दिन तक लगातार समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, कि एक्चुअली वो भी एग्जाम्पल्स ही थे, कोई वो ऐसे थे, हम ऐसा ना मान लें कि वो हठी थे या मानी थे या ईर्ष्यालु थे। हमारे को एक एग्जाम्पल देने के लिए या एक कॉशन देने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई हठ मत करना, नहीं तो ये होगा, हट मान मत करना, नहीं तो ये होगा। वो आनंद तो हमें, कल्याण तो उनका भी हुआ और हमारा भी होने वाला है, वो तो गारंटेड है, लेकिन जो आनंद वो देना चाहते हैं उस आनंद से हम वंचित हो जाएंगे, जो सुख वो हमें देना चाहते हैं उस सुख से हम वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने हट छोड़ें, मान छोड़ें, ईर्ष्या छोड़ें, सुहृद भाव से रहें, एक और एक 11 बने, एक और एक 2 ना बने, बस यही गुरुजी को पसंद है। और जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसका उद्यम कोई अधिक प्रवृत्ति खड़ी करना नहीं है, उसका उद्यम यही है कि हम किसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और आगे बढ़ते रहें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी, संत मंडल और दूर दराज से आए हुए सभी हरि भक्तों को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी बातें करी, और इससे पहले जो भी प्रभाकर जी या जिन्होंने भी, समीर भाई जिन्होंने भी बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। अभी प्राइज की बातें चल रही थी कि भाई गुरुजी को प्राइज लेना है, मेरा प्राइज प्राइज इनाम 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 भेंट भेंट भेंट। चलो मैं इंग्लिश कम जानू ना गुरुजी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ा प्राइज तो हमको अगर गुरुजी को देना ही है तो ये है कि जैसे कि हम 30 दिन से यहाँ पर या 30 दिन तक 12 तारीख तक इस शिविर को अटेंड कर रहे हैं, इसमें से दो चार बात
लेकर जाएं और उन्हीं के रास्ते पर चल जाएं, वो सबसे बड़ा प्राइज। तो गुरु जी का ये शिविर पूरा हो जाएगा अगर जिन बातों को आज हम सुन रहे हैं यहाँ पर एक महीने से, उन बातों पर हम चल जाएं और वो हमारी समझ में आ जाएं, उसी रास्ते पर चलते हो जाएं, तो गुरु जी का प्राइज पूरा हो जाएगा। तो गुरु जी इस एज में कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से भक्तों को बुला बुला करके और समझा रहे हैं बार बार, लेकिन इस तरह गुरु जी कहते कहते थक गए, लेकिन हम चल नहीं पाए। हमारे तो यही प्रार्थना गुरु जी, हम इस रास्ते पर चल सकें, आप हमको ऐसा बल दें जिससे कि आगे इसी रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर चल के अपना कल्याण आराम से हो सके। तो गुरु जी का प्रेम तो एक अटूट प्रेम, हमसे ज़्यादा गुरु जी का प्रेम जैसे कि अभी सिंगापुर का जिक्र हुआ, एक भक्त के कारण, एक उस लड़की के कारण, क्या नाम था जी उसका, नाम तब मेरी याद है, हाँ, उसके लिए 50-55 भक्तों को लेकर गुरु जी सिंगापुर गए थे। ये थोड़ी बात नहीं, क्योंकि भक्तों के लिए ये ऐसे बड़े संत जो पृथ्वी पर आते हैं वो भक्तों के लिए ही आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उनकी इच्छा थी, उनका आग्रह था, इस वजह से गुरु जी को सिंगापुर जाना पड़ा। जबकि गुरु जी इस एज में इस जो कहीं बाहर जाने के लिए राजी नहीं है। पीछे गुरु जी लंदन वगैरह गए तो वहाँ से भी आकर के गुरु जी ने यही कहा, श्यामला जी तुम बढ़िया रहे, तुम नहीं गई। विदेश को जाना गुरु जी को पसंद नहीं है, लेकिन भक्तों के कारण गुरु जी को आना जाना पड़ता है। तो भक्तों में तो इतनी प्रीति गुरु जी की पहले से ही रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको भी जो गुरु जी जैसी आज्ञा कर रहे हैं और जिस रास्ते पर हमको चलाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर चल सकें, यही प्रार्थना। जय सहजानंद स्वामी महाराज। स्वामी नारायण रे स्वामी, ये बात करी जे आ साधु मनुष्य जेवा जणाय छे पण मनुष्य जेवा नथी, ने आज तो प्रगट भगवान छे, प्रगट साधु छे, प्रगट धर्म छे, ने आ समामा एक कल पड़ी थी। स्वामीनारायण रे स्वामी, ये बात करी जे पापी नो वायरो कौन आवे तो 7000 वर्ष नो पुण्य जातो रहे। सुसु पापी ना वायरो, हाँ वायरो वायरो, हाँ पची पापी नो वायरो ब्रैकेट में लाइक कुछ कौन आवे, आहा अपने को पता नहीं लगता है। पापी कौन, मैं तो ये समझता हूँ कि जिसको भगवान और ऐसे संत का जोग नहीं हुआ वो सब पाप से भरे हुए हैं। अगर पाप नहीं होते तो जरूर भगवान कोई ऐसा संयोग बनाते कि वो ऐसे संबंध में, ऐसे जोग में आ जाते। एक जगह पे कहीं लिख के स्वामी की बातों में ये है, हाँ कि ये साधु के प्रति मोटा मोटू पाप कयू, ऐसे कुछ पूछा है तो ये साधु का अवगुण आवे वो सबसे बड़ा पाप। वचनामृत प्रथम छे, मैंने कहा 6 या 16, 6 हाँ। सत असत का विवेक, मैं नहीं कहता, जैसे जैसे वचनामृत हम पढ़ें और हम जैसे प्रगति करते जावे वैसे इसके अर्थ बदलते जाते हैं। हाँ। सत असत का विवेक, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे कॉमन शास्त्र में लिखा है। एक बार काका जी ने समझाया था, भगवान ना भक्तों ने गुण ले वो ही सत, बाकी सब असत। आप पूरी बात ऐसे देखो तो व्याख्या बदल गई, बदली नहीं है, धीरे धीरे
इसका स्टेप्स बढ़ गए। इसी तरह ये एक समझने जैसी बात है। और चीज़ बहुत अच्छी ये वो ऐसे में बस हमें जो काका जी मिले, स्वामी जी मिले, पप्पा जी मिले, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये मगज में फिट बैठ जावे तो पुण्य उदय। વાત કરી જે આપણને તો ભગવાનને રાજી થઈને પોતાનું અક્ષરધામ હોકર પ્રસન્ન હોકર અપના અક્ષરધામ અક્ષરધામ યાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ સંત જિસમે ભગવાન અખંડ નિવાસ કરતે પ્રસન્ન હોકર ખુશ હોકર યે દે દિયા હૈ હા ઉદાર છે જે જેના ઉપર રાજી થાય છે તેને પોતાનું ધામ બક્ષિસ આપે છે। એસે અતિ ઉદાર હૈ કે જિસ પે ખુશ હો જાવે બસ ઇસકો અક્ષર ધામ દે દો ઉસકે સાથ કા એક સંબંધ પક્કા કરા દો ઇસે અક્ષર ધામ કે સાથ જોડ દો હમ પે કિતને રાજી હોંગે સબકે ઉપર બાત કરતા હું। सत्संग तो पछवाड़े थी 10,000 गुणों था से। लो ये कॉमन सत्संग की बात करी कि आगे जाके खूब सत्संग बनने वाला है। देखो 250 साल पहले स्वामी ने बात करी आज वो नजर आता है। प्रमुख स्वामी महाराज हरिप्रसाद स्वामी जी साहेब वगैरह घूम घूम के कितना स्वामीनारायण का प्रचार। मैंने कई बार कहा हुआ है कि पहले शुरुआत में 67 में हम दिल्ली आए मैं फ़ोन करते आदत से हम बोलते जय स्वामी नारायण हैं क्या और अब हर एक को मोर देन 80% 90% ऑफ इंडिया स्वामी नारायण को जानता हो गया। ये गुणायतान स्वामी की बात एकदम सही पड़ी जिसको बोला जाए। और स्वामी ने कहा लेकिन ये साधु नहीं मिलेगा। हाँ, सत्संग खूब बढ़ जाएगा लेकिन ये साधु नहीं मिलेगा। हाँ, साधु हाँ, ये साधु खास करके लिखा। मैंने पहले ये बात करी हुई है चाहे ऐसी सभा में नहीं करी हो तो कि मैंने काका जी से फिर एक बार पूछा। काका जी अपने यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि ये साधु तो अखंड रहने वाला है। चोला बदलेगा लेकिन साधु तो हमेशा रहने वाला है। गुणातीत साधु आ साधु मीन्स गुणातीत साधु वो नहीं मिलेगा कैसे लिखा। तब इन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है कि साधु सत्संग की चमक दमक के अंदर खो जाएगा तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। हाँ, कई बार कोई चीज़ खो जाते हैं तो क्या मिलती नहीं है। मैंने यहाँ रखी थी देखी थी मिलती नहीं है। ऐसे गुणातीत भाव को पाए हुए साधु मुश्किल से मिलेंगे के। हाँ, क्योंकि हमें एक अट्रैक्शन वैभवशाली सत्संग का ही रहता है। ओहो इसमें कितने लोग आए क्या शौक क्या कहना रौनक शौनक थी। हाँ, जो गुणातीत भाव को पाए हुए साधु खूब छुपा रहेगा कॉमन लेवल पे एकदम। हाँ, ने महाराज प्रगट थया त्यारे आ साधु दीठा। हाँ, महाराज प्रगट हुए तब ये साधु धरती पे आए हैं। महाराज लेके आए हैं और मानव जाति को आशीर्वाद दे दिए कि ये हमेशा धरती पे रहेगा। हाँ, इसका मतलब इसके द्वारा मैं हमेशा आपके साथ मूर्तिमान रहूँगा। हाँ, ये मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि ये चीज़ कोई जगह पे नहीं मिलेगी। हाँ, और वो है सुप्रीमसी ऑफ स्वामीनारायण। बाकी सब है लेकिन एक ज्योति झबूकी फिर अंधेरा
कई सालों के बाद अगर दूसरी कोई ज्योति झबुकती है तब चलती, जबकि पुरातित परंपरा अखंड, काका जी इसको कहते थे कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस। नहीं तो आज साधु बीजे हो ही, हाँ, ये साधु अक्षरधाम के सिवा बीजे यानी अन्य लोक के अंदर हो ही नहीं सकते, अपने लिए महाराज ने इनको छोड़ के रखा है। गुणाचार्य स्वामी ने तो एक जगह पे बोले, हाँ, कि महाराज ने आप लोगों के लिए मुझे यहाँ रखा है, बाकी मुझे तो यहाँ तनिक भी रहने का पसंद नहीं है। और फिर एग्जाम्पल दिया है कि वो लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक जानवर, बैल या गाय, डेड बॉडी पड़ी थी, काफ़ी टाइम से होगी, तो बदबू मार रही थी, क्योंकि तो ये लोग स्वामी वहाँ खड़े रह गए। हाँ, संत कहे चलो ना भाई, कितनी वास आती है। स्वामी कहते ये जैसे तुम लोगों को यहाँ खड़े रहने का दिल नहीं होता, इस तरह मुझे इस लोक में ऐसी बदबू आती है, फिर भी तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। क्या एग्जाम्पल दिया है स्वामीनारायण। अरे स्वामी ये बात करीजे, पांडव भगवान ना प्रतापे करीने दुखने जेम समुद्र गायना पगला जेटलो तरवाने सुगम थाय तेम तरी गया। पांडवों का एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने और कोई चीज़ नहीं रखी, भगवान रखे तो समुद्र कोई तैर नहीं सकता, लेकिन पांडव ये इतनी बड़ी विपत्ति, एक गाय का पगला क्रॉस करना हो क्या देरी लगती है, इसकी इम्प्रेशन पड़ी हो, इसी तरह ये दुख को पार कर गए। माटे आपने तो काम क्रोध जीतवा ए तो ती मंगल थी ने दुर्योधन सैन्य थी पण बढ़िया छे। हम अगर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या आशा तृष्णा ये सब जीतने जाएंगे तो दुर्योधन के और ती मंगल के कोई राजा हो गया होगा। हाँ, उसके सैन्य के साथ लड़ाई करनी और थक जाना ऐसा है, हम लड़के तो इसको जीत नहीं पाएंगे। 60,000 वर्ष सालों का तप पराशर वगैरह का, अपन ये इन्हें जीते नहीं। हाँ, उस उन्हें जीतने का उपाय तो ये है कि पण भगवान ने आज्ञा में रहा थी तरी जवा से। हाँ, वो देखो भगवान की आज्ञा में रहेंगे वो साइडलाइन हो जाएंगे, वो रास्ता दे देंगे। हाँ, माटे भगवान ना प्रताप नु बल राखो। हाँ, बस हमें मिले हैं भजन करना, स्वामी महाराज बल दो बल दो बल दो, पार उतर जाएंगे। हम भजन करते नहीं हैं, करते भी है तो मैकेनिकली करते हैं, एकदम डूबता हुआ। डूबता हुआ आदमी जैसे एकदम बेबस हो जावे, ऐसी बेबसी से भजन करें फट महाराज सुनते हैं, एक सेकंड में टंकोल लग जाए। कड़वा वाणिया ने बात करी जे, जूनागढ़ में एक बनिया है कड़वा नाम होगा, गुजरात में नाम होते ना मीठा भाई, कहेंगे कहते मीठी बहन, वैसे कड़वा आ गया। जे देह होय ते दोस्तो होय। हाँ, देखो देह होय ये सारी चीज़ें, देह का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। देह होता है ऐसे दोष होते हैं, हम इसके चिंतन में नहीं, मुझे ये परेशान कर रहा है। अरे रोज टट्टी नहीं जाना पड़ता है, रोज आके कहोगे ये क्या स्वामी आप मिले और हमें रोज टट्टी जाना, अरे भाई ये देह का धर्म है। हाँ, इसी तरह ये देह आत्मा के धर्म अलग है। हाँ, ये बात अपने दिमाग में बैठती नहीं है, ये गुणातीत स्वामी ने खोली। हाँ,
પણ ભગવાનમાં માહી પેઠા છે, હા, તે દેહ પડશે, ભગવાન નહીં જાયંગે, પણ ભગવાન માહેથી નીકળે નીકળે તેવા નથી. મતલબ જી કે સાથ જો ભગવાન અંદર જાકે ચિપકે હે, દેહ યહાં છૂટ જાયંગે, યે સારી બલા યહાં રહે જાયેગી. જો જિસકી કમ્પ્લેન કરા કરતે હૈ, જિસકા અપને કો પરેશાની હૈ, ઓર હમ તો મહારાજ કે સાથ ચેતના ચલી જાયેગી, હા, વો હમે નહીં છોડને વાલે, એસા નહીં હોગા, હમે વહાં છોડ કે મહારાજ અંદર સે નિકલ જાયેંગે. હા, સ્વામિનારાયણ, અરે સ્વામી એ વાત કરી જે આપ લોકોને કભી એક્સપિરિયન્સ ક્યાં, અંદર મહારાજ બેઠે હી હૈ, આંખ બંધ કરીને ધૂન કરો, તમે અવાજ આયા કે સુમ નારાયણ તુમ નારાયણ જમ 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 નારાયણ નારાયણ જમ નારાયણ. અપને લીએ વો ભજન કરતે રહેતે હૈ, પતા નહીં હૈ, કભી એક શાંતિ સે બેઠ કે એમ કહેતે ને અનુભવ કરો. ઇતની બાર ધૂન કરી રહી લી 40 મિનિટ, એક આદત તો પડ ગઈ, અભી પહેલે નહીં કર સકતે થે હમ લોગ. હા, ગામ બાબા પરમા હરિભક્તને કહ્યું છે, ગામ બાબા પરા હશે, બાબા પર, બાબા પરમા, બાબા પરમે નામ હૈ, હરિભક્તને કહ્યું છે જે છે તે તો અહીં આવ્યું છે. મત જો વો જૂનાગઢ સે વિચરણ મેં ગયે હોંગે, એક ગાઉં મેં ગયે, વહાં કહા કે દેખ જો હૈ વો યહાં આયા હૈ, ને જૂનાગઢમાં તો હવે કોઈ નથી, ડુંગર છે. ક્યાં બાત કરીએ, બાત કો સોચે તો ખ્યાલ પડે કે જૂનાગઢ મેં અબ ક્યાં હૈ, જો હૈ વો તો યહાં આ ગયા, અબ તો ડુંગર હૈ, પથ્થર હૈ. મંદિર કે હોતે હુએ સ્વામી અગર યે કહેવે, વો કૈસી બડી ચીજ હોગી, આજ મેં નહીં કહે પાઉંગા, અબ ક્યાં અશોક વિહાર મેં બેઠે હો, મેં તો યહાં ચલા ગયા. અરે અશોક વિહાર મેં હમ તો કહે ને મહારાજ કી મૂર્તિ હૈ, વો બાત ભી જાને દો, કંઈ હમ બહાર ગયે હોતે કોઈ પૂછતા આપ નહીં થે તો મંદિર નહીં આયે, આપ તો થે નહીં. તો એસા હોતા હૈ કે એ લોક સમજતે હૈ કે નહીં, મૂર્તિયાં તો થી. જેમકે સ્વામી કહેતે હૈ અબ ક્યાં હૈ જૂનાગઢ કે, જૂનાગઢ કે અંદર તો ડુંગર હૈ, પથ્થર હૈ. મતલબ સ્વામી એ બતાના ચાહતે થે કે મંદિર કી શોભા, મંદિર કા પ્રાણ સંત હૈ. સ્વામિનારાયણ, અરે સ્વામી એ વાત કરી જે સચ હૈ. ગુણાયદાન સ્વામી બહુત હિંમત વાલે હોંગે, તભી કઈ સાધુઓ કો યે બાત નહીં જચતી હોગે ના, જો ધર્મનિષ્ઠા પ્રદાન હોંગે. ક્યારે ભાઈ મંદિર કે લીએ સ્વામી એસા બોલતે હૈ, યે સ્વરૂપ નિષ્ઠ સેવક થે સબ. ગામ વાંકિયામાં વાત કરી જે, હા, મને લગતા હૈ સ્વામી વિચરણ મેં નિકલ ગયે, અલગ અલગ ગામ આતે ગયે, વહાં બાતે પેન ડાઉન હુઈ. જે મુક્ત હોય, મુક્ત હો, અક્ષરધામ કા મુક્ત હો, મુક્ત હો મને અક્ષરધામ કા મુક્ત હો, એને તેને વિષય ગમે નહીં, ઉસકો પરેશાન શાયદ કરે, વો વિષય કે અંદર બેઠા ભી હો, ઉસકો વહાં ઘૂંટન હોગી, હા, કે યહાં કહાં ફંસ ગયે, હા, કંઈ સંજોગવશ જાના ભી પડે, વહાં જાકે ફિર યા મારા કોણ થા, 4-5 સાલ પહેલે કહા થા, નય, હા, સની કોણ કોણ બોલા, હા, સની બોલા, વો 31 ડિસેમ્બર કો ફ્રેન્ડો કી કંપની મેં જબરજસ્તી સાથ ચલા ગયા, વો રાત કો 12 બજે એક કોને મેં રોતા રોતા ભજન કરેલો, ઉસકો વહાં ઘૂંટન લગી કે મેં યહાં કહાં ફંસ ગયા, મંદિર મેં કિતની મજા ચલતી હોગી. આપ અગ્રવાલ જી કભી આયે હો 31 ડિસેમ્બર કો, રાત કો હમ જલવા કરતે હૈ. ને અક્ષરધામમાં ભગવાન છે, અને અહીં જે આવ્યા છે તેના દેશ ત્યાં છે. એ વાત સમજને લાયક હૈ, હમ ક્યાં માનતે હૈ કે જો અક્ષરધામ મેં હૈ વો યહાં આયે હૈ, એ એક સમજ હૈ. સ્વામી કહેતે એસા ના સમજો
यहाँ जो बैठा है वो ही वहाँ है। अक्षरधाम में कोई अलग भगवान की मूर्ति नहीं देखनी है। मतलब प्रकट की निष्ठा सर्वोपरि निष्ठा है, प्रकट का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। ये बातें बहुत बारीक, वैसे पढ़ जाओ तो समझ नहीं आएगी। हाँ जो वहाँ हैं वो यहाँ हैं, यहाँ वो यहाँ हैं करते रहेंगे। अरे ये उल्टी बात करिए, वो कहते हैं ना इमाम दस्ता जैसी बात है कि यहाँ जो है वो वहाँ है। बड़ी गहरी बात है। यहाँ जो काका जी थे हमने जो देखे वो ही स्वरूप वहाँ है। पण आप भगवान माँ ने यहाँ से तेमा लगार फेर न तनिक भी फर्क नहीं है। हाँ एम समझ, ऐसी कल्पना ही नहीं करना है कि चलो हमें अक्षरधाम, ये तो ठीक है काका जी को तो देखें, अक्षरधाम के जो विराजमान मूर्ति है ना उसके एक बार दर्शन हो जाए। हाँ वो अपनी प्रगट की निष्ठा में कसर है। हाँ क्यों फर्क ही नहीं, तनिक भी फर्क नहीं कहते हैं। हाँ तेज माया ने तरवानू छे, अब यही माया को तैर जाना है। अगर वो बात समझे कि वहाँ जो है वो यहाँ आए हैं, मतलब स्वरूप वहाँ है ओरिजिनल, ऐसा नहीं यही ओरिजिनल स्वरूप है। हाँ स्वामीनारायण, अरे स्वामी पर ब्रह्म तत्व वो ही है, कहने का मकसद वो है। काम देवराजिया माँ, हाँ दूसरे करी जे देवराजिया जे देहने मुकीने जेने पामवा हता, हाँ जेने मळवू हतु ते भगवान आपणने मळ्या। ये दूसरे में बात तो यही करी, ये शरीर को छोड़कर जिसको वो ऊपर जाके पाना है वो ही यहाँ तुम्हें मिले हैं। हाँ ने देह मुकी ने भगवान ने पामवा हता, साधु ने पामवा हता ते भगवान ने साधु आ आपने मळ्या। एज छे वो ही है। गलती से सोचना नहीं कि ऊपर जाके कोई और छोगलाधारी महाराज हमें देखने हैं, एम ऐसी बात नहीं है। एम गादी ऊपर हाथ पछाड़ी ने कहो, ये अच्छा लिखने वाला मुझे पसंद आया। वहाँ स्वामी की मूर्ति कैसी उसने बरोबर अंदर बैठा दी, ऐसे ऐसे हाथ पछाड़ी आचे ऐसे बोले होंगे ना। एम गादी ऊपर हाथ पछाड़ी ने कहू ने आ साधु छे ते भगवान नु धाम छे। मानो इसमें भगवान अखंड निवास करके इसमें रहते हैं। हाँ भगवान है ऊपर नहीं रहते के तेने देह छतेज पाम्या छे ने कोई ना वाक मा ना आविए माटे जो जो एग्जैक्ट शब्द आ जाएगा। ये शिक्षा पत्री का पालन वगैरह करना, ये तो हम व्यवहारिक ढंग से किसी के कसूर में ना आ जावे इसलिए है। कल्याण से इसे कोई लेन देन नहीं है, स्वामी का कहना ही है। अभी ये अब स्वामी अगर ये बात करें तो धर्म प्रधान धर्मनिष्ठ संतों को कैसे पसंद आएगी, कैसे परेशानी ना आवे। स्वामी ने लिखा है हाँ किसी से कुछ कर्जा लिया दिया हो तो लिखित साक्षी करके करना, साक्षी के सहित। देखो हम कहीं नहीं करते इसलिए बाद में दुखी होते हैं कि कहीं आते हैं कि स्वामी मैंने इसको इतने दिए थे अब वो कोई मिलता ही नहीं, पैसे की बात ही नहीं करता है। मैं क्यों तूने लिखवाया नहीं है, नहीं देखो हमें ये देवेश पसंद आ गया। ये बात उसने पहली बार जब सुनी तब से स्टॉप बंद उधार देने का, लिखा पट्टी करके करोगे वो दुख ना आवे परेशानी ना आवे। माटे शिक्षा पत्री पाळवी एटला वास्ते ज महाराजे करी छे। हमें इस श्लोक में दुख ना आवे, बाकी कल्याण के लिए शिक्षा पत्री का एक ही श्लोक है निजात्मानम ब्रह्म रूपम। देखो सारी शिक्षा पत्री में हम लोग ने ये एक श्लोक रखा हुआ है। इसका मतलब दूसरा नहीं रखना, महाराज की वाणी है महाराज का स्वरूप है। हम इस श्लोक में बिना हैरेस हुए
आराम से जी सके, इसलिए शिक्षा पत्र है। स्वामीनारायण रे स्वामी ये बात करी जे अक्षरधाम बहुत छेटू छे। हाँ, अक्षरधाम वैसे तो खूब दूर है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए करीब कर दिया है। वो नहीं क्या करीब नहीं है, करीब। तुम क्रीम क्रीम करते रहोगे। हाँ, पण आपने भगवान ने थड़मा करी हुई। थड़मा यानी करीब, पास। हाँ, काठियावाड़ी भाषा है। आ मनुष्य जेवा थईने बैठा छे। हाँ, मनुष्य जैसे क्या? आ मनुष्य मनुष्य जेवा, आ मनुष्य जेवा थईने बैठा छे। बैठा खुद की बात करी कि मानव जैसा लगते हैं हम। ने आपने अक्षरधाम ना मुक्तना जेवी वातु समझाई छे। ये बात बहुत समझने लायक है। तुम बाहर से किसी भी ज्ञानी को ले आओ, शास्त्र का पढ़ा हुआ, अपनी बात को वो समझ भी नहीं पाएगा। फिर उसे लगेगा ये क्या बातें करते हैं, किस बातों को हाथ पैर नहीं है। अरे डफोर को समझ नहीं आए, डब्बा जैसा है, भले ही शास्त्री हो। और हमें ये बात बैठ जाती है, मतलब समझ आ जाती है, भले बरत नहीं सकते होंगे, हाँ, लेकिन बात समझ आ जाती है। वो बताता है कि हम अक्षर के मुक्त हैं, कसर टालने के लिए आए हैं। वातो नहीं तो ये बात ऐसे लगे यार कि समझ ही नहीं आती है। जो रोज जाओ समसुरत भाव एकता सहन करो, खमी खाओ, पाछा वड़ो, इसके सिवा कोई ज्ञान है? भजन करो, प्रकट की निष्ठा रखो। ये भले समझ नहीं आती है, अरे बरत नहीं सकते, बात समझ तो आती है। बिना समझे बोलेंगे समसुरत भाव रखो तो 1+1=11। अब कोई भी शास्त्री को ये पता लगेगा कि क्या चीज़ है? मैं ये लोग मैं सुबह टाड़े पोर के लगाते रहते हैं, ठंडे पोर के। हाँ, स्वामी ने कहा तुम्हें ये बात बैठती है ना, वही समझो कि कितना बड़ा संस्कार और पूर्व के मुक्त हो, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। और शुरुआत में आते ही जो पूर्व के होते हैं फटाफट समझ जाते हैं। वातु समझाई ये मैंने जो कहा था ना वैसी बातें हैं कि हम लाइक है, एलिजिबल है, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पास हो गए हैं, इसलिए यहाँ एडमिशन मिला हुआ है, नहीं तो एडमिशन ही नहीं मिलता। आया राम गया आराम, चले जाते हैं। हाँ, वातो समझाई छे ने कराई छे। वातो लो समझ भी सकते हैं, भले पोते बरत नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन ये शोभना अभी की तरह दूसरों को कर तो देवे ही। हाँ, पूर्व के अक्षरधाम के मुक्त हैं सब। ते भगवानों ने आ साधु नो अनुग्रह छे। भगवान और ये साधु का अनुग्रह कृपा हुई है। ने आवो समागम मळ्यो छे ने अहो अहो नथी थातू ते तो आ वात कोई दिवस करी नथी। आ लोकनु ज कुट्यो छे। इसी कारण होता है कि ये बात है, समझ भी आती है, लेकिन ओहो क्या मिला वो नहीं होता है। क्यों? कि ये बात करी नहीं, मतलब इस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया है, व्यवहार में ही गूथे रहे हुए हैं, उलझे रहे हुए हैं, इसलिए नहीं होता। हाँ, स्वामीनारायण अरे स्वामी ये बात करी जे गाम चाड़िया माँ बात करी जे घर माँ रहू ते मेहमान नहीं पेठे रहू। लो बहुत अच्छी बात करी ना। किसी के यहाँ जाते हैं, हमें कोई लेन देन है इनके मैं लेन देन में, इसके घर में हम इंटरवेंशन करते हैं नहीं, अपने घर के अंदर भी। ये बात खास रिटायर हुए लोग याद रखे, घर में रहना मेहमान की पेटे रहना। ये रिटायर हुए होते हैं ना घर के अंदर, बच्चों को जो रोज सलाह दिया करे फिर मुसीबत होती है। इसके वजह अच्छा सबसे मंदिर आ जाओ,
ये हमारे दालिया साहब पार्क में भी बैठते हैं, वैसे पार्क में बैठो मतलब कोई झंझट ही नहीं, घर में खाली यंग अरे रिटायर लोगों की बात नहीं करता, ये एडवाइस तो हर एक को दिए, घर में रहो मेहमान की पेठे रहो, हाँ मंदिर में रहो अपने पन से रहो, पंखे चलते हो बंद कर लो, बाथरूम में साबू भीगा हुआ पड़ा हो उठा के डिब्बी में रखो, वो तुम करते नहीं, यहाँ आ रहे मेहमान की तरह रहते हो। स्वामीनारायण अरे स्वामी ये बात करी जे गाम माड़ी लामा बात करी जे, मैं तुम्हें मेहमान मानता हूँ, मैं तुम्हें पहली बार देखता हूँ, किसी को माँ किसी को मासी किसी को फोए, हाँ तो अच्छा हुआ उस दिन मुझे सूझा कि मैंने शशि को शशि भाभी कहा, गलती से आंटी कहा होता तो ये शशि आंटी को बोलो कि अंदर आवे, हाँ जयप्रकाश का भी और शशि का भी थोबड़ा चढ़ जाता। हाँ एक बार हुआ था, एक बहन जी तकरीबन 50-55 साल की, हाँ डाई बाय लिपस्टिक पिपस्टिक पाउडर शाउडर, हाँ आईब्रो, हाँ लगती ऐसी भूंडन जैसी, हाँ भूंडन पता है क्या कहते हैं, सुअर की मिसिस, हाँ अपने कोई सेवक ने गलती से कहा आओ आंटी यहाँ में, मैं तुझे आंटी लगती हूँ इतनी बन ठन के आई हूँ मैं तुझे आंटी लगती हूँ क्या, ऐसा है ये भगवान ने मेरी कितनी रक्षा करी रानीखेत में जयपुर का हाथ जोड़ता है आ तो भगवान जेवा साधु छे, लखो भगवान जैसे साधु, बाबा के बैरागी नथी, बाबा बैरागी नहीं है। एक जगह पे स्वामी ने लिखा है ये राम रोटी खावे ऐसा साधु नहीं है, राम रोटी नहीं मांग मांग के रोटी लेके खाते हैं ये साधु ऐसे नहीं है, राम रोटी खावे ऐसे साधु नहीं है। काका जी बोलते थे मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, तुम्हें मांगना क्यों पड़े, काका जी कई बार हमें कहते थे तुम्हें मांगना क्यों पड़े, तुम तो भगवान के लड़के हो तुम्हारी ज़रूरत उसे पूरी करनी है। मुझे दूसरी तरफ हुए कि यार हम साधु हुए तो साधु का तो धर्म ही है मांगने का, भाई ये अलग कैटेगरी है क्या, हाँ अभी ये दूसरों को कैसे समझाएंगे। स्वामीनारायण अरे स्वामी ये बात करीजे गाम चरखामा बात करीजे, स्वामी बहुत घूमे गाँव 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 चले, जे बहु मोटो लाभ थयो छे, बहुत बड़ा लाभ हुआ है, माटे बाजरो भेड़ो करीने साधु पासे बेसी रहो, बस जिसको कमाई है चिंता ही ना करो, आराम से इसके इंटरेस्ट में से खाया करो और मंदिर में भजन करा करो। स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर बाजरा घर पे नहीं है तो हर महीने 10 रुपया मैं भेजूँगा घर पे, लेकिन तुम लोग मंदिर में रह के भजन करो, कितनी गरज स्वामी ने बताई है। स्वामीनारायण अरे स्वामी ये बात करी जे महाराज कहता जे हरिजनना अवगुण हूँ जो तो नथी, ये मैंने एक बार बात करी थी वैसे, हरिजन यानी भक्तों का अवगुण महाराज कहते हैं मैं नहीं देखता, आप लोग मुझसे डरते हो कि स्वामी को पता लग गया है कि हम ऐसे हैं अब हमारे प्रति स्वामी कैसी हीन नज़र से देखेंगे, हाँ स्वामी कैसे हमें गलत समझेंगे, कहते देखो ये डर रहता है कि मेरी ये बात स्वामी को पता लग गई है, अब क्या आँख लेके क्या मुंह लेके इनके सामने खड़े रहेंगे, हमारा जवाब हम देखते ही नहीं, और कैसे नहीं देखते हैं वो इतनी अच्छी तरह समझाइए कि हमें मानना पड़े महाराज को। हाँ अवगुण देखाई छे, अवगुण देखाई छे तो आड़ू मुँह फेर लेता हूँ, हाँ
और वो मुंह कैसे फेर लेते हैं? माँ बहन आड़ी देखे हाँ तो आड़ू जुवे ते देखो घर के अंदर माँ बहन होवे और हम गलती से रूम में चले गए वो ड्रेसअप होती हो मुंह फेर के बाहर निकल आएंगे कि वहाँ खड़े रहेंगे नफज की तरह। इसी तरह भगवान कहते हैं मैं तुम लोगों की ये कमजोरी देखता ही नहीं, जीव ऐसे ही होते हैं। हाँ स्वामीनारायण रे स्वामी ये बात करी जे गाम ओड़िया में बात करी जे आ साधु ओळखाणा ये मोटी बात छे। हम पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ मानव स्वरूप में भगवान को पहचानना वो कलेजा टूटने जैसी बात है। आ साधु ओळखाय तेवा नथी पहचाने जा सके ऐसे नहीं है, कब क्या करे कुछ पता नहीं लगे। हाँ आ तो परदेशी साधु परदेशी साधु है। कल मैंने नहीं बोला काका जी ने तो कह दिया, कह देना मैं तो हूँ ही स्मगलर परदेशी हूँ। यहाँ से जीवा हमारे सारे आ गए सबको इकट्ठा करने आया हूँ। काका जी एक बार मेरे पास बोले थे कि जैसे महाराज ने कहा था कि पश्चिम में कई मुक्तों ने अवतार धरा है, इस तरह ये यूपी नॉर्थ के अंदर यूपी नहीं बोले नॉर्थ में अभी काफ़ी मुक्तों को भेजे है बोलेला। हाँ बस इसीलिए तुम भेजता हूँ क्या? हाँ मुझे नहीं पता है कि यार ऐसे सारे आएंगे। ते ओळखाणा ये तो आश्चर्य जेवू छे, इनको पहचाने संत को एक बड़ा आश्चर्य है। बस हो गया आज चलो।